थाना सराय मिरज पुलिस टीम ने एक सफल ऑपरेशन के तहत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से धोखाधड़ी कर 6,03,000 रुपए, एक एटीएम कार्ड और एक पीली धातु की गले की चेन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1,26,269 रुपए है। यह मामला तब सामने आया जब राजेश कुमार केशवानी, जो सोरों कटरा बाजार में अनाज के व्यापारी हैं, ने अपने खाते से 7.30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि बैंक के डिप्टी मैनेजर ने उनकी चेकबुक से एक चेक फाड़कर उसका दुरुपयोग किया, जिससे वह पैसे एक अन्य खाते में ट्रांसफर कर एटीएम कार्ड के माध्यम से उन पैसों को निकाल लिया। घटना की जांच के बाद थाना सराय मिरज पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया और इस मामले में शामिल 4 अभियुक्तों को चंपापुर के समीप से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में बलराम यादव, विशाल यादव, गौरव सिंह उर्फ चंकी और शाश्वत सिंह उर्फ तन्नू शामिल है। पुलिस ने बताया कि इन अभियुक्तों के पास से बरामद किए गए 6,03,000 रुपए और अन्य सामग्री मुख्य अपराध का प्रमाण है। इसके अंतर्गत पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमे में बढ़ोतरी की है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सराय ममरेज के अंतर्गत रहने वाले राजेश कुमार केसरवानी के द्वारा कल थाना सराय ममरेज पर तहरीर दी गई, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका ICICI बैंक फूलपुर में खाता है तथा वहां पर डेप्यूटी मैनेजर को उन्होंने अपनी एक चेकबुक दी थी, जिसमें से डेप्यूटी मैनेजर द्वारा एक हस्ताक्षरित चेक फाड़ के रख लिया गया था, जिसमें जिसका प्रयोग करते हुए उसके खाते से 7,30,000 रुपये उक्त डेप्यूटी मैनेजर द्वारा निकाले गए तथा उस पैसे को ट्रांसफ़र करके किसी अन्य खाते में डालकर और उससे भी कैश 7,30,000 उसके खाते से निकाल लिए गए। इस तहरीर के आधार पर थाना सराय ममरेज पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा इसमें इसका सफल अनावरण करते हुए ICICI बैंक फूलपुर के डिप्टी मैनेजर बलराम यादव तथा उसके 3 सहयोगी विशाल, गौरव सिंह और शाश्वत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6,03,000 रुपए कैश, एक पीली धातु की चेन जो कि उक्त पैसों से खरीदी गई थी, साथ ही साथ एक ATM जिसके माध्यम से ये जो कैश विड्रॉ किया गया था। इस प्रकार से चारों व्यक्तियों ने ब्लैंक चेक चोरी कर और धोखाधड़ी करते हुए पैसे निकाले थे, जिसको पुलिस द्वारा बरामद कराया गया तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।